ये देखिए बीआरओ की गाड़ी है, ये भाई हमारे साथ चला है काफ़ी टाइम से, हम तो रुकते रुकते वीडियो बना रहे हैं। बट आप देखेंगे यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल ऊपर टच हो रही है, बिल्कुल टच हो रही है, ये देखिए यहाँ बिल्कुल टच होती जा रही है। तो ड्राइविंग यहाँ पे इतना आसान नहीं है, ये देखिए बिल्कुल टच होते हुए अल्टीमेट। अगर इससे थोड़ा ऊंचा होगा तो वो लगता ही जाएगा, और इनको आई थिंक पता होगा, आइडिया होगा कि इससे ऊंचा जो हम लेके नहीं जाना है। तो दोस्तों ये जो गेट है ये है ग्यू विलेज के लिए, और यहाँ पे ग्यू मॉनेस्ट्री भी है। तो अगर आपने ग्यू मॉनेस्ट्री जाना है तो इस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है समदो, अभी हम पहुँच चुके हैं समदो। तो समदो में रेस्ट हाउसेस भी हैं और बीआरओ का एरिया भी है, ओशन ये सारा आर्मी एरिया है। नीचे नीचे की तरफ देखेंगे ये गाड़ियाँ भी बीआरओ की गाड़ियाँ हैं। यहाँ से पू है 70 किलोमीटर, और समदो का जो एटीट्यूड है वो है 3076 मीटर। यहाँ चाय समोसा जलेबी उपलब्ध है, बट ये हमारे लिए नहीं है। जय माता की, यहाँ मंदिर भी है बट अभी ये उपलब्ध नहीं है। पूछो लेना है जलेबी, लेनी है पूछो जरा, है जलेबी? जलेबी पैक हो जाएगा, पैक जलेबी। हाँ मास्क पहन के जाओ, मैं जाता हूँ। तो दोस्तों अभी हैं हम समदो में, यहाँ पे एक अच्छी बात है, यहाँ पे पैकिंग के लिए खाना मिल रहा है आपको। ये देखिए ये है वेट कंटीन, ठीक है, यहाँ चाय समोसा जलेबी उपलब्ध है, और ये है यहाँ का कैफेटेरिया समदो। यहाँ पर आपको जलेबी मिल जाएगी पैक करके, समोसे मिल जाएंगे। भैया ये आप थोड़ा मुझे बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है? जलेबी, समोसा, चाय, कॉफ़ी, सूप। अच्छा सूप कौन सा? सूप टमाटर सूप। गर्म मिल जाएगा? गर्म मिल जाएगा, वो तो फिर यहीं खाना पड़ेगा। अब मैं गाड़ी में दे देता हूँ अभी बच्चों को पूछ के, ठीक है। और क्या कैसे जलेबी किस तरह मिलती है? क्या जलेबी 200 रुपया किलो है? ठीक है ठीक है। अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं सूप टेस्ट, और बच्चों से पूछते हैं कैसा है इसका टेस्ट। तो ओशिन टेस्ट है, सही बताओ कैसा टेस्ट है? अच्छा है, मैंने पी लिया है, आप बताओ अच्छा है या टेस्टी है? टेस्टी है, जोर से बोलो। ठीक है, गिराना नहीं है, गर्म है। अभी बच्चे अपने बेड पे रहते हैं पूरा दिन, और अपने पापा कौन कौन है आपका फेवरेट टॉय? ये क्यूटी है और पीछे, गुड गुड गुड। तो अभी हैं हम यहाँ पे कैफेटेरिया समदो में, ये है भैया बीआरओ के अंडर है सारा, ये बीआरओ के अंडर है। अच्छा है, नहीं सूप अच्छा है, मैंने भी टेस्ट किया है, काफ़ी अच्छा सूप है। तो अभी तो इस सीज़न में तो कुछ ज़्यादा भीड़ है ही नहीं, नहीं इसमें गिन चुन के लोग आ रहे हैं, दो एक आ रहे हैं किसी तरह भूल भटक के, बस दो तो लोकल ही हैं। हाँ हाँ, और इधर आर्मी वाले सब हैं। हाँ हाँ, कोरोना के करके तो सब काम खराब हो गया। बट ये भाई साहब बहुत दूर से हैं, ये हैं यहाँ पे आए हिमाचल में, झारखंड से। हाँ झारखंड से, बहुत दूर। अच्छा बनाया आपने, तो जब भी कोई यहाँ आए तो यहाँ पे आके सूप और जो भी खाना हो यहाँ जरूर खाएं। यहाँ की जलेबी बहुत फेमस है, जलेबी फेमस है। भैया बता रहे हैं कि यहाँ भी की जलेबी कलकत्ता तक जो है लोग जो है वो याद करते हैं, तो सही है, अगर अच्छा होगा तो हम भी याद करेंगे, यही होता है ना? बिल्कुल। हाँ हाँ, तो ठीक है भैया, बहुत बहुत थैंक्स आपका। अभी हमने खाया है सूप, समोसा, जलेबी, तीनों बहुत टेस्टी थी। अभी हमें यहाँ पे बीआरओ की जो कैंटीन थी वहाँ पे खाया है अल्टीमेट सूप, तो मुझे सबसे अच्छा लगा, गर्मा गर्म और बहुत टेस्टी। और हमारा आधा किलो जलेबी, 3 सूप 3 समोसे 190 रुपीज़ में, और इतने अच्छे अच्छे टेस्ट वाले। तो चलिए चलते हैं, अब हमारा नेक्स्ट स्टेशन अकपा है, और अभी ये भैया बता रहे थे कि यहाँ से मुरिंग समथिंग ऐसी कोई जगह आती है, वो काफ़ी ख़तरनाक है। दोस्तों ये है समदो में चेक पोस्ट, इसके बाद जो रिकांगपियो शुरू होगा
तो यहाँ पे आपको जहाँ पे मेजी एंट्री करवा रहे हैं वहाँ पे एंट्री करवानी पड़ेगी। ये चेक पोस्ट है सुमदो में, ये बॉर्डर एरिया है, ये बॉर्डर, ये पुल सामने दिख रहा है, ये बॉर्डर एरिया है। पीछे जो है लाहौल स्पीति था, अभी जो है किन्नौर में हम एंटर हो चुके हैं और पू यहाँ से 59 किलोमीटर है और आगे मलिंग जगह है जो कि काफ़ी डेंजरस बताई जा रही है। वहाँ पे रोड काफ़ी ख़तरनाक है, तो BRO जो है वहाँ पे अवेलेबल होता है ऑल द टाइम। अब देखो जैसे किन्नौर में आए आई थिंक रोड डबल हो गया है। बिल्कुल, जैसे किन्नौर में हम एंटर हुए वैसे रोड डबल हो गया है। अब ये कहाँ तक है जो पड़ता है वीरभद्र का एरिया? अच्छा, ये वीरभद्र सिंह जी जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनका एरिया पड़ता है ये। अच्छा, उन्होंने फिर ये डबल करवा दिया क्या? यहाँ से पीछे से। अच्छा 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 अच्छा, ऐसी बात है। महेश जी को डीपली काफ़ी बातें पता है। ये देखिए अब रोड की हालत थोड़ी खस्ता भी है बीच बीच में, बट इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जियोग्राफिकल डिफ़िकल्टीज हैं जिसकी वजह से इतना आसान यहाँ पे नहीं है बनाना रोड। अभी देखो ये सारे BRO के वर्कर्स हैं जो लगे हुए हैं। अभी यहाँ से 27 किलोमीटर आगे मलिंग है जो कि काफ़ी डेंजरस है, तो देखते हैं मलिंग में जाके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है वो नेटवर्क सक्सेसफुल कौन सा हो रहा है इस ट्रिप पे? जियो जियो जुग जुग जियो जियो, क्योंकि आपकी वजह से हम समटाइम बीच बीच में कनेक्ट हो रहे हैं। अभी हैं हम सुमदो से 2 किलोमीटर आगे, तो यहाँ पे अभी तक का जियो का नेटवर्क है और रोड भी डबल लेन है। एक और चीज़ यहाँ पे हमें स्पेशली बताई गई है कि ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं तो उससे बच के रहना है, थोड़े ध्यान से चलना है। अगर कहीं से कुछ गिरता हुआ दिखे तो पीछे, पहले काफ़ी पीछे थोड़ा वेट कर लें ताकि कुछ पहाड़ी गिर रही हो, कुछ गिर रहा हो तो उससे बचा जा सके। ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी होती हैं, तो सेफ़ होके ड्राइव करें। अच्छी बात यह है कि अभी तक डबल लेन है। तो दोस्तों अभी बाहर जो है रेतीला तूफ़ान चला हुआ है, तो इसमें काफ़ी डर रहता है कि ऊपर से आप देखेंगे कितना ऊपर को पहाड़ियाँ हैं, तो मिट्टी गिरने का डर रहता है, पत्थर गिरने का डर रहता है। तो महेश जी की ड्यूटी मैंने लगाई कि सर आप ऊपर देखिए और मैं जो है गाड़ी ड्राइव करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे आर्मी के ट्रक निकल रहे हैं और आप देखेंगे यहाँ पे पहाड़ियाँ कैसे कटी हुई हैं। अब ये भाई साहब बिल्कुल सामने से आ रहे हैं, डरा रहे हैं हमें। ये आप पहाड़ियाँ देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से हमें थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से पहाड़ियाँ हमारे बिल्कुल गाड़ी के ऊपर है। और आप देखो ये जो रोड भी हैं ये पूरे पूरे हैं और बिल्कुल 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 ख़तरनाक हैं, पूरे पूरे रोड हैं और बिल्कुल जैसे काटा हुआ है और ऊपर छत बना हुआ है उस टाइप के रोड हैं ये। ये सारे यहाँ पे सेब के पेड़ हैं और इस विलेज का नाम शालकर है एज़ पर द बोर्ड। तो दोस्तों ये है चांगो, यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, ग्लव्स वगैरह लेने हैं तो यहाँ मिल सकते हैं, आप पूछिए मेज जाके। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चों के लिए ग्लव्स मिल जाए क्योंकि रात को कई बार ठंड हो जाती है आगे, तो बेटर है कि मिल जाएं, अगर नहीं मिलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम कहीं देखेंगे फिर। चांगो के बाद ये पुल है तो ये काफ़ी कंजस्टेड है और यहाँ पे थोड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो और मुश्किल से जाती हैं। तो अभी आप देखेंगे ये जो टेम्पो जा रहा है तो उसको कितने रीटेक लेने पड़ रहे हैं क्योंकि ये लकड़ी के पुल हैं ये सारे। अब ये पीछे हो के कर कर के कर कर के कर कर के कर कर के तब जाएगा आगे। वैली देखिए आप आगे, यहाँ पे एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती है, इसलिए हम यहाँ पे वेट करेंगे। अब लकड़ी के पुल जो हैं वो तारों से बांधे हुए हैं। और यहाँ पे जो साइड में बड़े फट्टे लगे हैं उस पर ऊपर टायर रखने होते हैं ताकि सेफ्टी रहे।
टीपू अभी यहाँ से 70 किलोमीटर है। ये देखो जी, ये सामने है, ये बीआरओ का रोड है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते। इधर रिकांगपियो, पू और मलिंग नाको, इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड मुड़ना पड़ेगा। लोगों ने यहाँ पे छोटे छोटे बगीचे भी बना के रखे हैं, आप देखेंगे ऊपर की साइड बगीचे हैं और नीचे के साथ थोड़े पेड़ हैं। इंजॉय करिए, हम किन्नौर में हैं। तो दोस्तों, अभी रोड ब्लॉक है यहाँ पे, और ये है यहाँ पे मलिंग नाला, जो कि काफ़ी डेंजरस है। आप देखेंगे यहाँ पे ये पहाड़ काफ़ी डेंजरस हैं और ऊपर से बार बार यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं, ये रोड बहुत ब्लॉक हो जाता है। और आप देखें नीचे खाई इतनी ख़तरनाक है कि आगे जाने का हिम्मत भी नहीं हो रहा, इसलिए मैंने कैमरा थोड़ा आगे किया है। आप देखेंगे ये सारा एरिया जो है मलिंग नाले का है, और यहाँ पे ये सारा जो काम अभी चला हुआ है, अभी रोड रुका हुआ है क्योंकि इन्होंने माइनिंग करनी है, तो माइनिंग के लिए होल्स डाल रहे हैं और वहाँ पे माइंस जो बारूद वगैरह होता है वो डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो मशीन होती है ऑटोमेटिक होती है, इसमें कोई भी पैसेंजर नहीं बैठा होता है या कोई भी इसका ऑपरेटर नहीं बैठा होता, क्योंकि कभी भी पहाड़ी ऊपर से गिर सकती है, इसलिए ये दूर खड़े होकर जो है इस मशीन को चलाते हैं, जो येलो कलर की मशीन रोड पर दिख रही है बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी वहाँ पे जो वर्कर थे, अनफॉर्चुनेटली मेरे माइक की जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से इनसे बात नहीं हो पाई, पर जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो मलिंग नाला है ये अराउंड 3875 मीटर जो है इसकी हाइट है, एल्टीट्यूड इसका 3875 मीटर है, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और उसका काम बीआरओ के अंडर है। ये काफ़ी जो है डेंजरस पॉइंट है, यहाँ पे ऊपर से पहाड़ियाँ बार बार गिरती रहती हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हादसे होते रहते हैं, तो यहाँ पे जो लेबर कंटिन्यूसली काम पे लगी होती है, तो यहाँ से 8 से लेके 5 बजे तक या फिर 9 से लेके 5 बजे तक इस तरह इनकी शिफ्ट चलती है, ये काम करते हैं। तो ये बता रहे थे हमें कि यहाँ पे ये माइनिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट डे इन्होंने जो है यहाँ पे जो ब्लास्ट करना था, जिससे कि ये रोड को थोड़ा चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर ऊपर से गिरे भी तो थोड़ा सा रोड जो है वो ओपन रह जाए, या थोड़ा उसको वाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है NH 505 है, और यहाँ पे एवलांच, ठीक है, जैसे बर्फ़ के ग्लेशियर वगैरह, पानी जब बर्फ़ पड़ती है या जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी सडनली कभी भी आ सकता है, इसलिए ये बहुत ही डेंजरस माना जाता है। अगर आप लोगों को हाइट से डर लगता है तो कभी भी यहाँ पे मत आएँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डरावना और डेंजरस है, क्योंकि नीचे को आप देखेंगे कि अराउंड 500 फीट 600 फीट तक की गहरी खाई है, जो कि आगे बढ़ती ही जाती है। तो ये भाई साहब ने हमें बताइए थे, इनका जो नेटिव प्लेस है वो था झारखंड, तो झारखंड से यहाँ पे वर्क करने के लिए आए थे, तो यही सारा ऑपरेट यहाँ पे करते थे। तो अनफॉर्चुनेटली माइक की वजह से जो है इनसे इनकी जो कन्वर्सेशन हमारे बीच हुई है वो मैं आपको नहीं सुना पाऊँगा, बट जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ये ड्रिलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे ये वायर्स बाहर निकली होती है, अंदर बारूद होता है, तो ये डाल रहे हैं, तो ये इस तरह से अलग अलग जगह पे इन्होंने लगाया है, बाद में इनको ये कनेक्ट करके जो है इसको ब्लास्ट करेंगे, जिससे कि ये सारे पत्थर जो हैं वो नीचे गिर जाएंगे और ये रोड जो है ये चौड़ा हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये काम चलता है, ये प्लानिंग वाइज चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको आज लगाए आज के आज फोड़ सकते हो, ये पूरा प्लानिंग से करते हैं। तो आप देखेंगे ये जो है ये बहुत सॉलिड नहीं है रॉक्स, आप देखेंगे कितनी दरारें इनके बीच में पड़ी हुई हैं, ये यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे लगा रहे हैं, जो ड्रिलिंग हो रही है ड्रिलिंग में ये बारूद भर के उसके बाद इसमें वायर्स वगैरह लगा रहे हैं, तो इनका स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जो कि ड्रिलिंग में काम आता है। तो ये नेक्स्ट डे इन्होंने यहाँ पे ब्लास्ट करना है। ये मशीन है, इस मशीन से आप देखेंगे वर्कर जो है काफ़ी दूर रहते हैं, इसमें अंदर नहीं बैठते हैं, अभी ये इसको बंद कर रहे हैं क्योंकि ड्रिलिंग तब ये नज़दीक है, उसका रिमोट होता है, वायर्ड रिमोट होता है, वायरलेस नहीं होता है, वायर्ड रिमोट होता है। तो अब आप देखेंगे ये इसको बैक लेके आ रहे हैं, इसके अंदर कोई भी नहीं होता है, बाकी गाड़ी हमारी वहाँ पर है,
और हम वेट कर रहे हैं इसके ओपन होने का। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इसको रिमोट से, वायर्ड रिमोट है जो वर्कर इसको वापस लेके आ रहा है। ये इसलिए होता है कि आपको पता है ये कभी भी ऊपर से गिर सकता है, ताकि किसी की जान पे जोखिम ना आए, इसलिए इन्होंने ये वायर्ड रिमोट वाला सिस्टम रखा होता है। तो अभी हमारा टाइम हो चुका है आगे चलने का, तो ये कर रहे हैं इसको सेट। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों ये है वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड्स, और इस नाले का नाम है मलिंग नाला। यहाँ पे हर टाइम कभी भी ऊपर से कुछ गिर सकता है, तो काफ़ी सावधानी से चलना पड़ता है। यहाँ के वर्कर्स के लिए तो सलाम है उनके लिए, क्योंकि वो इतनी मुश्किल जगह पे काम करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वर्कर जो है यहाँ पे ये सारे काम करते हैं यहाँ, और ये लोकल नहीं है, मैक्सिमम जो है आउटसाइड ऑफ द स्टेट से आए होते हैं। तो ये काफ़ी डेंजर है, बट अभी पहले के मुकाबले अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ये सही हो चुका है, और इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। इसके इन्होंने RCC जो डंगे वगैरह दे दिए हैं, जिससे कि फ्यूचर में ऐसी दिक्कतें जो है वो कम आए। पहले तो ऐसा होता था कि बिल्कुल एक सिंगल गाड़ी के लिए लायक रोड बना होता था। कुछ वीडियोज़ मैंने पहले भी देखी हैं मलिंग नाले के बारे में, तो वीडियोस में दिखाया गया होता था कि काफ़ी ज़्यादा जो है नैरो है। तो अभी तो काफ़ी इजीली हम निकल गए, क्योंकि हमारी गाड़ी इतनी बड़ी नहीं है। बाकी बड़ी गाड़ी के लिए कई जगह पे बिल्कुल पूरा रास्ता होता है। नाला तो एक्चुअल में यहाँ पर है, बट इस पूरे एरिया को मलिंग नाला कहते हैं। यहाँ से जो ऊपर से पानी वगैरह कई बार ज़्यादा आ जाता है, जो इन्होंने यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उन्होंने बताया हमें। तो दोस्तों ये था आज का एक वीडियो। अभी आगे में हमें बताया गया है कि आगे एक टेंपल भी है, तो अभी हम देखेंगे टेंपल में भी अभी आगे जाएंगे। दोस्तों देखिए ये है सामने से नज़ारा, दूसरी तरफ से नज़ारा कैसा है, बहुत ही डेंजरस है। यहाँ पे इस कॉर्नर पे हम खड़े थे, और ये सारा एरिया ये बहुत ही डेंजरस माना जाता है, वेरी डेंजरस। ये खाई बहुत ज़्यादा गहरी है, और आगे को और गहरी होती जाती है। यहाँ है माता जी का टेंपल, और यहाँ पे आप देखेंगे वेलकम टू मलिंग देवी टेंपल, जो कि हाइट है 12,480 फीट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो मलिंग नाला का। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।